हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो आज वीडियो कुछ अलग है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, क्योंकि आज कोलैबोरेशन में है एजी शेख, जिनके यूट्यूब पे 7.7K सब्सक्राइबर हैं। और ये इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशन के रिलेटेड आपको कंटेंट यूट्यूब पे डालते हैं, तो इनके भी चैनल को जाके सब्सक्राइब करो। तो आज का जो हमारा मेन मोटिव है, SSLC बच्चों के जो एग्ज़ाम है 28 मार्च 2022 से, तो बच्चों को क्या लेके जाना ज़रूरी है क्या नहीं। और बच्चे कोई मैसेज करके पूछ रहे थे कैलकुलेटर का क्या है सर, वॉच का क्या है और टाइम टेबल का क्या है, तो एजी शेख भी आपको बताएंगे। तो वीडियो में बने रहे, ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ एजे, एंड आज मैं आपको सिड ब्लॉग्स के चैनल पे दिख रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है। 28 से जो ना 10th के स्टूडेंट के एग्ज़ाम्स चालू होने वाले हैं, तो उस हिसाब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में जो है ना डाउट्स होते हैं कि क्या हमको लेकर जाना चाहिए। जो स्टूडेंट्स हैं 10th के, उनके लिए स्पेशल वीडियो है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके टाइम टेबल के हिसाब से, जो आपका पेपर जो स्टार्ट होने वाला है वो 28 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, और एंडिंग जो पेपर आपका रहेगा वो है 11th ऑफ अप्रैल। तो इस हिसाब से जो है ना, आपको हर पेपर के पीछे एक एक दिन का गैप मिल रहा है, स्पेशली मैथ्स और साइंस पेपर को छोड़ के, क्योंकि मैथ्स और साइंस पेपर से पहले आपको दो दो दिन का हॉलीडे मिलेगा। और सर, मेरा एक क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट क्वेश्चन किया था मुझे, सर ये जो दो दिन का एक दिन का गैप है, इसमें हम वही पढ़ें या फिर पीछे का रिवाइज करें सिर्फ, या कुछ नई टॉपिक्स पढ़ें? जैसे कि आप साइंस में समझिए, आप कितने सब्जेक्ट हैं, अगर एक लेसन छोड़ दिया है बच्चा साइंस का, तो वो नया भी उस टाइम पे पढ़ना चाहिए या पहले रिवाइज करना चाहिए बच्चों को, ये एक डाउट। हाँ, ये बहुत बड़ा जो है ना बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि जो टाइम कम रहता है आपके हिसाब में, जैसे कि एग्ज़ाम्स के बीच में एग्ज़ाम एक दिन आपको गैप मिलेगा, मैक्सिमम दो दिन का गैप मिलेगा, तो उस दौरान में अगर आप पढ़ते बैठेंगे तो आपको मुश्किल हो जाएगी नया कुछ पढ़ते बैठेंगे। कभी भी एग्ज़ाम के टाइम पे जो बीच में जो टाइम मिलता है, उसमें आप ये गलती मत करिए कि कुछ नया पढ़ने के लिए मत जाइए। पहले जो चीज़ अच्छे से पढ़ रखे हैं आप, पहले उसको रिवाइज करिए। उसको रिवाइज करने से क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंट हो जाएगा कि मैंने इतना 80% 90% सिलेबस जो कवर करके रखा था, मेरा रिविजन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बच रहा है, तो पीसफुली, आप गड़बड़ी में नहीं, पीसफुली उस नए टॉपिक को लेकर बैठिए, आराम से उसको समझिए पहले वो है क्या, उसके बाद उसको स्टडी करिए। नहीं तो अगर आपके पास टाइम नहीं है तो गड़बड़ मत करने जाइए, क्योंकि आपका जो पिछले बारी में आपने जो स्टडी करके रखा है वो भी ख़राब हो जाएगा। और जो मेन आंसर शीट है, थोड़ा वो भी बच्चों को अगर बताएंगे कैसा भरना है, क्या है उसमें, रजिस्टर नंबर लिखना है। हाँ, तो मेन आंसर शीट एक थोड़ा, मेन आंसर शीट जो है आपके, थोड़ा जो बताइए बाद में, ये जो शीट है मेन आपकी, जो आंसर शीट के ऊपर आएगा, ये फर्स्ट पेपर जो आपको फिलअप करना होता है, तो ये आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो इसको भी फिलअप कैसे करना है देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, उसके बाद आपको अपना मीडियम लिखना है, आपका कौन सा मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश, कन्नड़ा मीडियम कन्नड़ा, ओके, उर्दू मीडियम वाले उर्दू मीडियम। हाँ, तो इस तरीके से लिखिए। सब्जेक्ट तो ऑलरेडी प्रिंटेड आएगा उसके ऊपर जो है। उसके बाद देखिए आपको सीरियल नंबर ऑफ एडिशनल आंसर शीट्स यूज्ड, जो भी आप एडिशनल आंसर शीट्स वगैरह यूज कर रहे हैं, तो आपको ये सीरियल नंबर में फिल करना होगा। और एक इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो इसमें पेपर्स अवेलेबल हैं सर, जो पेजेस मैथ्स के आंसर जो बुकलेट दे रहे हैं गवर्नमेंट, हाँ, मैथ्स में जो है 36 हैं पेपर्स टोटल, पूरे ओवरऑल बुकलेट में 36 पेपर्स हैं, और साइंस सोशल कन्नड़ा इंग्लिश हिंदी में जो है 24 पेजेस हैं, बाकी सब में आपको कम पेजेस हैं, 24 हैं, और मैथ्स में 36 है। और आप एडिशनल आंसर शीट्स भी मान सकते हैं, एडिशनल एक बुकलेट ही देंगे वो भी आपको दूसरी, जो आप आपकी जो ओरिजिनल शीट है उसका नंबर उस पर डालना पड़ेगा। ये जो भी है, आप जो आपके रूम सुपरवाइजर रहते हैं उनसे पूरी डिटेल लेके जो जैसा करना है, क्योंकि आंसर बुकलेट आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। आपको मेन आंसर बुकलेट्स आपको कितने लिए, कितना है, पेजेस यूज किए आप, पेजेस वो लिखना है, उसके बाद एडिशनल आंसर शीट्स के पेजेस लिखना है, राइट, उसके बाद आपको टोटल पेजेस यूज कितने हैं वो लिख देना है। नीचे का जो भी सेक्शन है वो ऑफिशियल यूज के लिए, ये नीचे का जो भी सेक्शन है देखिए, फॉर ऑफिस यूज ओनली, राइट, उसको आप हाथ भी नहीं लगाना है, जो भी है जैसा है ब्लैंक छोड़ के आना है। और बाकी का जो साइन वगैरह है वो आपके जो रूम में रहेंगे, वो सुपरवाइजर रहेंगे जो आपके रूम के, वो वहाँ पे साइन करेंगे, आपको कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट जो है बच्चों को जो क्वेश्चन थे कि सर एग्जाम में हमारे को कैलकुलेटर अलाउ है क्या, क्योंकि मैथ्स के एग्जामिनेशन में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चों का क्वेश्चन है कि कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या? सबसे पहले कैलकुलेटर हो गया या फिर वॉच हो गई,
कोई भी मतलब डिजिटल वॉच है, आजकल देख रहे हैं हम डिजिटल वॉच पूछ रहे हैं, पहन रहे हैं लोग। अब ये देखिए, हाँ ये नॉर्मल वॉच है, आपको सिर्फ आपको टाइम बताएगी, उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। अब जो वॉचेस आ रहे हैं फ़ोन के साथ कनेक्टेड होके ब्लूटूथ होके डिजिटल वॉच आ रही है, तो वैसे तरीके के वॉच अलाउड नहीं है। आप नॉर्मल वॉच पहन के जा सकते हैं। कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आपको कैलकुलेटर नहीं लेके जाना है, किसी भी तरीके का कैलकुलेटर कोई भी डिवाइस वगैरह कोई भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, ये नॉर्मल घड़ी को छोड़कर अगर आपके पास कोई भी डिवाइस है तो वो आप बाहर रख कर जाइए। हाँ, नेक्स्ट जो हमारा है, आपको एग्ज़ाम में जाने के टाइम पे क्या क्या चीज़ आपको कैरी करके लेकर जाना है। सबसे पहले आपको जो सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरत लगेगी आपको, आपकी हॉल टिकट। एग्ज़ाम को जाने के लिए हॉल टिकट लेकर जाइए। आप एक घर से निकलने से पहले चेक करना आपके पास हॉल टिकट ओरिजिनल है या नहीं है। पहले हॉल टिकट के जो है जीरोक्स कर लो आप, एक 5-6 जीरोक्स करके, दो जीरोक्स घर में रखिए, दो जीरोक्स बैग में रखिए, ऐसा करके एक 2-3 जगह रखिए। उस केस में और एक आप एक चीज कर सकते हैं, स्टूडेंट आईडी कार्ड जो आपके स्कूल की तरफ से मिलता है वो भी आप एक साथ में कैरी कीजिए। अगर है तो लेके जाइए, जरूरी नहीं है बट अगर है तो लेके जाइए, क्योंकि अगर कभी आपके हॉल टिकट भी अगर जीरोक्स में आपकी फोटो नहीं दिख रही है तो आपका आईडी कार्ड भी देख के वो फोटो दोनों मैच करके आपको वेरीफाई करके आपको बिठाते हैं। तो इस तरीके से आप जीरोक्स भी रखिए और ओरिजिनल हॉल टिकट कंपलसरी जाने से पहले चेक कर लेके जाइए। अगला जो आपको कैरी करके जाना है वो है मास्क और सैनिटाइजर, क्योंकि कोविड का जो भी सिचुएशन चल रहा है उस हिसाब से ये दो चीज़ें कंपलसरी है, आपको होना ही जरूरी है, कैरी करके जाना है। आप भूल के नहीं जा सकते, क्योंकि मास्क और सैनिटाइजर कंपलसरी है और आपके जो कोविड चल रहा है उस हिसाब से जो है ना कंपलसरी कर दिया सो है। जैसे आप लोग हॉल टिकट लेकर जा रहे साथ में, वैसे ही समझ लीजिए मास्क और सैनिटाइजर को। उसके बाद नेक्स्ट जो है स्कूल यूनिफॉर्म, जैसे कि मैं बताया स्कूल यूनिफॉर्म आपको एक एज ए स्टूडेंट रिप्रेजेंट करता है, वहाँ पे आपको सिंसियरिटी दिखती है आपकी स्कूल यूनिफॉर्म रहने से। क्या है, एक स्टूडेंट दिखते हैं, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ स्कूल रेगुलर दिखते हैं। हाँ। जो भी बच्चे जो डायरेक्ट 10th करते हैं ना बाहर, हाँ, से ओपन, हाँ, से प्राइवेट से, हाँ, तो वैसे नहीं दिखते, आप एक सिंसियर बच्चे दिखते हैं स्टूडेंट होने के बाद। और दूसरी चीज क्या है, आपको रिपीटर्स नहीं लिखते आप, रेगुलर जो स्कूल को जाते हैं स्टूडेंट्स वैसे लगते हैं। और जो भी इनकेस आपसे कुछ गलती हो गई एग्जामिनेशन में, कुछ हो गया, तो आपकी सिंसियरिटी, आपका यूनिफॉर्म, आपका डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए वो देख के जो है आपको एग्जामिनर भी, हाँ भाई, हाँ सिंसियर है बच्चा, स्टूडेंट है, हाँ कुछ गलती हो गई होगी बोल के आपको जो है ना उसको आपको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जो मेन इक्विपमेंट्स आपको जो लेकर जाना है, मेन चीज आपको जो एग्जाम लिखने के लिए, पेन हो गया, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, ऐसे कोई भी चीज़ जो भी आपको लगती है एग्ज़ाम में वो कंपलसरी रखिए, एटलीस्ट एग्ज़ाम में तो रखिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं भी देखा हूँ एग्ज़ाम में आकर बैठकर पीछे वालों से पेन मांगते हैं, वहाँ से बोरो करें, यहाँ से बोरो करें, इसके लेके पास से लेना, और क्या बोलते हैं मैं पेन लेकर आया था नहीं चल रहा बोल के बोलते हैं, एक ही पेन लेकर जाते हैं। एटलीस्ट 3 तो रखिए पेन आप, एटलीस्ट आपके पास 3 पेन रखिए, और वही पेन रखिए जो आप रेगुलर यूज किए स्कूल में, रेगुलर आप जो यूज करते हैं, अगर आप जो कंपनी का यूज कर रहे हैं वही यूज करिए। अगर आप नए लेंगे तो आपकी स्पीड भी कम हो जाएगी और आपकी हैंड राइटिंग भी कम हो जाएगी, उससे आपका रिजल्ट पे जो है इफेक्ट पड़ेगा सीधा सीधा। आपका जो लिखने का टाइमिंग है, आप टाइमिंग जो टाइम पे आप समझ लीजिए आप मेरे को इतने टाइम में मेरे को इतना कवर करना है बल्कि आप सोच के रखे होंगे, तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। जो भी एसेंशियल चीज है, याद से ज्योमेट्री कंपास बॉक्स भी है आपका, ओके, स्केल, पेन, पेंसिल, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स आपको हर एग्जाम में लेकर जाइए। जो भी एग्जाम में आपको ड्राइंग का जो आ रहा है ड्रॉ करने के लिए, वो हर एग्जाम में आप ज्योमेट्री बॉक्स लेकर जाइए, वो उसमें आपको हेल्प करेगा, कहीं ना कहीं हेल्प करेगा। यहाँ पे तो नहीं है, जो बच्चों की आंसर शीट बुकलेट होती है उसमें बच्चे जो है फर्स्ट क्वेश्चन कहीं पे लिखे, सेकंड क्वेश्चन कहीं पे लिखे, बीट नंबर सेक्शन मेंशन नहीं करते, हाँ वो बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि आप देखिए फर्स्ट से लेकर पूरा जो सेक्शन लास्ट होगा उसमें भी 1, 2, 3, 4 से ही सीरियल से पूरा एंड होता है। हाँ। इसमें ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5 फिर सेक्शन में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा नहीं होता। जो बच्चे सेक्शन ए का जो आंसर है वो सीरियल नंबर आप कंपलसरी मेंशन कीजिए। हाँ। एक साइड आपकी रो होती है, जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये लेफ्ट साइड जो है आपका, ये आपका सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर और आंसर नंबर बोल के लिखिए। हाँ। फिर जो राइट साइड जो सेंटर का पार्ट है इसमें आप आंसर लिखिए, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए।
और जो ये लास्ट जो है नीचे रफ वर्क, जो भी आपका रफ कैलकुलेशन जहाँ पे दिया गया है वहाँ पे आप रफ वर्क वहीं पे रफ करिए, और रफ वर्क भी ऐसा करिए सामने वाले को नीट दिखना, सेक्शन मेंशन करना, सेक्शन मेंशन करिए कंपलसरी। और ये जो राइट साइड में जो है, ये राइट साइड में जो है वो ऑफिशियल वर्क के लिए जो करेक्शन करते हैं ना उनके लिए है, जो मार्क्स डालते हैं आपका आंसर देख के। तो राइट साइड में कुछ मत करिए, जो राइट साइड कॉलम जो दिख रहा है आपको। एक फाइनल चीज मैं बोलूंगा आपको, जो भी आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन उसको आप साइड में रखिए, लास्ट में कंपलसरी आपको अटेंड करना ही करना है, करना ही है। आप उसको उसका आंसर नहीं भी आता हो तो उसके रिलेटेड में दूसरा आंसर कौन सा आता है एटलीस्ट वो तो अटेंड करिए। कई बार क्वेश्चन भी जो है रॉन्ग होता है, हाँ रॉन्ग होता है तो आपको बोनस में मार्क्स मिल जाएंगे। मेरे साथ इंजीनियरिंग में ये चीज हुई थी, आंसर रॉन्ग था बट हम उसके लिए अटेंड करे थे, हमारा आंसर भी क्वेश्चन रॉन्ग था उसके लिए हम अटेंड करे, आंसर रॉन्ग आ गया हमारा, नेक्स्ट टाइम जब मालूम पड़ा तो उसके हमको मार्क्स मिल गए थे, आउट ऑफ आउट आए थे मेरे को मार्क्स। राइट 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 सर, ये सर ने बहुत सही बात की है। तो इसलिए क्या है आपको एक मार्क्स से पास फेल, डिस्टिंक्शन, आपका ग्रेड चेंज होता है एक मार्क्स से, और आपका जो सीट मिलने वाली होती है आप मेडिकल में हो, हाँ कट ऑफ वगैरह एक एक मार्क्स से चेंज होते हैं। तो अगर आप जो आंसर नहीं आ रहा उसको लिख के आ गए, समझ लीजिए आपको आंसर को एक दो मार्क्स मिल गए, उसमें आपका आगे ओवरऑल रिजल्ट में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, परसेंटेज में पड़ गया, आपके फ्यूचर में भी इफेक्ट पड़ सकता है। right. तो इस हिसाब से जो भी चीज़ें बताई गई है उसको अच्छे से फॉलो करिए, पीस ऑफ माइंड रख के जाइए एग्जाम में, अच्छे से लिखिए। अगर कुछ भी चीज़ हम छोड़े हैं तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हाँ हम उसको पिन कर देंगे, दूसरों को भी फायदा होगा। राइट, अगर आपको कुछ भी डाउट है, आपको लगता है कि ये चीज़ के ऊपर हमको और बोलना चाहिए था, तो आप उसको कमेंट करिए, हम उसको आपको रिप्लाई कर देंगे। और टाइम मैनेजमेंट के बारे में जो भी है, एजी शेख का एक अलग से उनके चैनल पे जो है वीडियो है एग्जामिनेशन के लिए, टाइम कंज्यूम कैसे करना है, टाइम को यूटिलाइज कैसे करना है, तो वो भी आप जाके देखिए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो थोड़ा तो कंपलसरी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला होगा इस वीडियो से। राइट, और ये भी होप करते हैं कि आपके अच्छे मार्क्स आए एग्जाम में, अच्छे से लिखिए एग्जाम को, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए सभी स्टूडेंट को, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, और अपना नाम रोशन करिए, अच्छे मार्क्स लेकर आइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए, स्कूल वालों का नाम रोशन करिए, और आपका जो टेंथ है जो बोलते हैं टर्निंग पॉइंट, राइट, टर्निंग पॉइंट को एक अच्छे से टर्न दीजिए। आप लकी हैं, आपको टेंथ में टर्निंग पॉइंट मिल रहा है, नेक्स्ट स्कीम जो गवर्नमेंट की नहीं है, अगर वो इम्प्लीमेंट हुआ तो और आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसी वजह से हर चीज का फायदा उठाइए, ये वीडियो का भी आप बेनिफिट उठाइए। तो होप करता हूँ आपको वीडियो बेनिफिशियल लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट ऑल द SSLC स्टूडेंट्स, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।